दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर YouTube चैनल, मैं शिव शंकर मिश्रा। तो दोस्तों ये बैरिंग है, इस बैरिंग को चेंज करना है। तो सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने रिपीट हैं आपको काटना पड़ेगा। तो ये हमारा IFB मॉक्सी ड्रे 550 का ये डायर है जो कपड़ा सुखाता है। इसकी बैरिंग ख़राब हो गई है और इसमें जो एक बेल्ट होती है वो भी उसकी पुल्ली ख़राब हो गई है और ब्लोवर नहीं काम कर रहा है। तो हम आपको पूरा चेंज करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। ये जितने रिपीट हैं आपको सब काटना पड़ेगा, तब ये ब्लोवर बैरिंग और आपकी जो इसमें पंखा लगा वो सब बाहर आएंगे, अन्यथा ये बाहर नहीं निकाल सकते हो आप। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा के रखें ताकि हमारी अगली वीडियो बने आप पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मेरे पास एक सुम्मी है, पहले मैंने इन सारी रिपीट को ग्लेंडर की सहायता से रगड़ दिया हूँ, मतलब जो कटर होता है उसको रगड़ रगड़ के बिल्कुल इसका मत्था रगड़ दिया हूँ। तो हमारे पास कटर है, इसको आसानी से इस प्रकार से रगड़ दिया है, देख रहे हैं। तो आप पास अगर ग्लेंडर ना हो तो आप हाथ या रेकी से रगड़ सकते हैं। तो ऐसे आप इसको बटे नीचे नट रखेंगे और ऊपर से हैमर से इसको जितने रिपीट हैं आपको निकालना पड़ेगा। जब आप रिपीट निकाल देंगे तब आपका ये जो कवर है ऊपर जिसके ऊपर ब्लोवर या बैरिंग लगा हुआ है सब बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों मेरा चैनल में आपको अनेक प्रकार की वीडियो दिखाई जाती है, एक ही वीडियो नहीं रहता। मेरा मकसद है कि बहुत ज़्यादा आपको जानकारी, इसलिए मैं कई प्रकार की वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों किसी ने कमेंट किया था सर आप IFB का ही बनाइए, नहीं सर, हमारे पास जो नॉलेज है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप भी कई काम कर सकें। ऐसा ना हो कि एक काम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये बढ़िया निकल आया। आप ब्लोवर जिसका जो पंख होता है पंखा भी चेंज कर सकते हो अगर आपका टूट गया है, तो बैरिंग भी आप चेंज कर सकते हो। और इसके ऊपर एक जो पुल्ली लगी हुई थी प्लास्टिक की या टेफलोन की पुल्ली है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें चार काम आप कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बड़ी वीडियो हो गई है। तो इसमें चार पांच काम अगर आपके पार्ट ख़राब हैं तो उसको आप सही कर सकते हो। अब स्क्रू ड्राइवर सहायता से ये जो तीन स्क्रू लगे हैं इसको हम चेंज कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों स्क्रू को चेंज करते ही नीचे जो बैरिंग है, बैरिंग आपकी जिस पर बैरिंग फंसी हुई है वो बाहर निकल जाएगा। अब ये निकल गया, साफ सुथरा कर लिया ये इसमें बैरिंग है। तो अरे पानी वाला नहीं है, इसकी बैरिंग जाम हो जाती थी जो ये पुल्ली को काट देती थी, खराब हो जाती थी। देखो अभी कितना जाम है, नहीं घूम रही है, बहुत टाइट घूम रही है। तो इस बैरिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा। उसे हम लोग खोल के छीट देते हैं। तो ये बैरिंग आपकी चेंज हो जाएगी, देख रहे हैं, बस बैरिंग भी चेंज कर सकते हो। इसमें जो इसमें फैन लगा है फैन भी चेंज कर सकते हो। इसमें कई प्रकार चेंज है। ये देखो बढ़िया से साबुत की तरह ये निकल गया है। अब आपको इसको हम आपको बैरिंग ये आपकी इस पर पुल्ली चलती है जो ये ब्लोवर जो पंखा लगा हुआ है फैन इसको चलाता है। तो आप इसको जो खांचा कटा हुआ इसको ऐसे बैठाएंगे, बढ़िया से बैठाएंगे, ध्यान रहे। और फिर ये जितनी है रिपीट आपको इन सब पे रिपीट मार देना पड़ेगा, रिपीट लगा के ठोक देना पड़ेगा, तब ये बिल्कुल आपको बन जाएगा। तो अब आपको मैं बैरिंग की साइज दिखाना चाहता हूँ कि बैरिंग की साइज क्या है। तो दोस्तों ये हमारी बैरिंग है, बैरिंग देख रहे हो आप,
लिखा हुआ है। बैरिंग की साइज है 608ZZ, ये पुरानी बैरिंग है हमारी। तो दोस्तों इस बैरिंग को हमें लगाना है, देख रहे हो। तो 608ZZ इस बैरिंग को हम लगाएंगे। तो लगाना कैसे है देखो, सर्वप्रथम हमारे पास ये जो वाइट रंग की ये पुल्ली है, इस पर जिस पर बेल्ट चलता है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। पहले इसको हम देख लेंगे डाल के सही बैठ रहा है कि नहीं। ये तो इसको हल्का सा दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाना आपको, हल्का सा इसके अंदर बैठाना है। जब हल्का सा, ये देखो बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अब हम नई वाले को यहाँ पे कुछ ऊंचा सा होता है उसको हम चेंज करेंगे और लगाएंगे। फिर ये नई बैरिंग हम लगा रहे हैं इसमें 608ZZ, जिसका बैरिंग का नंबर है। तो इसको हम आसानी से बैठाएंगे। ये देख रहे हो, ये पुरानी बैरिंग है जो इसको प्लास्टिक की नोब है, इसको दबा के काट देगा, जला देगा। तो इस प्रकार से ये ख़राब हुआ था। और ये नई बैरिंग देखो, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया घूम रहा है। तो इस नई बैरिंग को आपको लगाना है। तो यही समस्या था, इसीलिए बार बार यहीं पे कट जा रहा था। तो ये भी नया ही मैं लगा रहा हूँ, पुराना, ये पुराना वाला है, इसका जाम था जब ये घूमता था, तो इसलिए ये बार बार हमारा टूट जाता था, ब्लोअर नहीं चलता था। देगा, हाँ, अब हो गया सीधा, इधर साइड सीधा है। अब दोस्तों जो पीछे का कवर है, ये बैरिंग लगा दिया गया है और इसका स्क्रू भी टाइट कर दिए हैं। और अब हमें क्या करना है, साला एक बैरिंग चेंज कर ले, इतना साला बैरिंग डाल के नीचे तीनों स्क्रू बढ़िया से टाइट कर दिया गया है। तो दोस्तों हम आपको जो भी वीडियो दिखाते हैं, बिल्कुल कारगर ही वीडियो दिखाते हैं। बस इसको बढ़िया से हम टाइट कर देंगे। टाइट तो हो गए हैं। बाहर ले डालो, हाँ इधर डालो, हाँ ऐसे डालो, इधर, हाँ अभी पेच नहीं घुस जाएगा। पुल्ली बैठा दिए, इसे तो बैठा लेना वहाँ पर, इसे तो बैठा देते हैं। अब इसमें एक स्क्रू लगा होता है, आपको उस स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा। देखने पटे टूट भी जाएगा इसको, आराम देख रहे, बिल्कुल हाथ से घुमाया जा रहा। तो फ्री ये और ध्यान रहे कि आप इसको फ्री टूट जाएगी पटाखा, हो पीछे से अगर घुमाओ तो बिल्कुल फ्री, अगर टाइट होगा तो आपका जाम चलेगा, जाम चलेगा तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बैठाना है ना, तो इसमें जितने, अरे अब हम इधर पटना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रेशर दे दिया हूँ, अभी भी थोड़ा सा इसको बैरिंग सही नहीं बैठी हुई है, इसलिए नहीं ले रहा था। अब ये बिल्कुल बैठ गया, अगर आप ज्यादा बैठा दोगे तो ये बैरिंग जो पुल्ली है वो उसको जाम कर देगी। ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। और इसमें एक, हाँ ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है, तो ऐसे आपको भी करना है। टाइट करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भाई साहब और अंदर जानी चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है, बैरिंग बाहर है। ये रखो ना इसको ऐसे, तो दोस्तों
अभी थोड़ा सा और इसको पुश करना, बैरिंग को बैठाना पड़ेगा। आप मारो नहीं तो थोड़ा से आवश्यकता है। हाँ, ये ठोक दिया। अब ये ब्लोवर, अगर आपका ये पंखा खराब है तो आप पंखा भी ऐसे इसी प्रकार चेंज कर सकते हो। जैसे खुला है इसमें आप ब्लोवर और इसका बैरिंग पुल्ली जो भी होता आइटम आप इसको चेंज कर सकते हो। अब इसमें हमें एक स्क्रू लगा देना है। स्क्रू टाइट होता है, जो पुल्ली सफ़ेद रंग के देखे थे उसी पर होता है। तो आप इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस थोड़ा लगा देना है कि बाहर निकले बस, खाली हल्का सा बस। अब इसको घुमा के देख लेना है कहीं जाम तो नहीं है। टेस्टिंग बिल्कुल बिल्कुल एकदम फ्री है और ये फ्री घूम रहा है। तो दोस्तों, इतनी वीडियो जो हमारी लंबी बन रही है इसलिए कि इसमें 3-4 पार्ट अगर आपके ख़राब होते हैं तो आप उस पार्ट को चेंज कर सकते हो, इसीलिए थोड़ा वीडियो हमारी लंबी हो गई है। तो इसमें हम कई चीज़ आपको दिखा रहे हैं। अब ये बिल्कुल फ्री चल रहा है, ऐसे चलना चाहिए तब आपका ये पुल्ली ख़राब नहीं होगी। अब इसको जैसे था उसी तरह हमें लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसको खोलने से पहले एक मार्किंग कर लिया था, तो इस मार्किंग को मार्किंग के साइज जैसे मार्किंग था उसी पे आपको बैठा देना है। अब इसमें जितने आपने रिपीट काटी थी उतनी रिपीट आपको रिपीट कर देना पड़ेगा। ध्यान रहे कि हाँ जी, ये कवर लूज नहीं होनी चाहिए। अगर लूज होगा तो ब्लोअर आपका सही तरह नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। इससे बढ़िया आपको जो रिपीट करनी होगी अच्छी तरह से उसको रिपीट करना पड़ेगा ताकि लूज वाला झमेला ना रहे। तो ये देख लो, ऊपर थुरने में आसान है कि नीचे थुरने में आसान है? आसान कहाँ, थोड़ा थोड़ा सा पहले आप नहीं थोड़ी थोड़ी सी रिपीट कर लेंगे। पहले जैसे चारों कोनों पे रिपीट करके तो इसको चारों कोने करेंगे तो ये अपने आप एक अस्थाई बैठ जाएगा, ताकि चारों साइड इसका पकड़ हो जाए और ये आसानी से रिपीट हो जाए। तो दोस्तों, आपसे मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हम कई प्रकार की वीडियो बनाते हैं। मेरा जो उद्देश्य है एक ही काम के प्रति, हमें जो भी नॉलेज रहता है काटा उस चीज़ को आपको बहुत अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। रिपीट काफ़ी बड़ी है, तो आप लोग भी कई जानकारी रखें, ताकि एक जानकारी रखेंगे तो आप एक ही कार पे डिपेंड रहेंगे बस। तो हम ऐसा नहीं करते। मैं आपको आने और पहले पहना लो, फिट पहनना पड़ेगा ना। आप हमारे जब चैनल पे जाते हैं देखते हैं तो सर आप तो लिफ्ट भी बनाते हैं, सर आप बॉयलर भी बनाते हैं, ऐसे बहुत कमेंट आते हैं। हाँ जी सर, मैं कई चीज़ बनाता हूँ, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी है टेक्निकल टेक टेक्निकल शंकर। तो हम हर तरफ अपना काम करता हूँ। अब इस स्क्रू को हम यहाँ भी टाइट कर देंगे, जैसे था ये आपको उसी तरफ बैठाना पड़ेगा। और ये बैठ गया बिल्कुल। यहाँ पे जो हमारा पेंच था उस पेंच को लगा देंगे। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि
ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो बने तो आपके पास सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये दोस्तों पूरी रिपीट करके दिखा दिया गया है आपको, ये इसमें कि यार कंप्लीट हो गया है, दूसरा हमने फॉरवर्ड भी जितने भी तो स्क्रू लगे थे सब लगा दिया सारा गया है। एक ही पत्ती है अब, बस अब इसको हमको फिट करना है। अब हम पहले इसमें ड्रम डालेंगे, 350 ये ड्रम लगा दिया गया। अच्छा गुड सर, बैठ चढ़ाओ। नहीं वॉशिंग मशीन बना दी खाली है एकदम, नहीं ये पुराना लहर वो तो यूट्यूब पे बहुत पड़ी है। अब इसके ये बेल्ट है, बेल्ट को निकालेंगे और बिल्कुल तैयारी से हो गया है और ये लगा दिया गया है। आपको चला के दिखा भी दिया गया है। एक कपड़ा ऐसे रेडी हो गया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। देखो कितना बढ़िया फ्लोवर घूम रहा है, हवा देने लगा है। जो समस्या थी वो समस्या का समाधान हो चुका है। तो दोस्तों आप से अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।